नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं बोलते सक्सेन आप लोगों के साथ। आइए नजर डालते हैं खास खबरों की ओर। दौसा जिले के उपखंड रामगढ़ पचवारा में बालक बालिकाओं को विद्यालय की ड्रेस व ट्रैक सूट वितरित किए गए। दौसा जिले के उपखंड रामगढ़ पचवारा की ग्राम पंचायत निजामपुरा के राजकीय प्राथमिक विद्यालय बामनहेड़ी में बुधवार को इकेडिबल ट्रस्ट के तत्वाधान में बालक बालिकाओं को विद्यालय ड्रेस व ट्रैक सूट और जूतों का वितरण किया गया। इस अवसर पर विद्यालय परिसर की ओर से इकेडिबल ट्रस्ट के कुंदन सिंह भाटी और श्रीमती पारस कंवर का माल्यार्पण कर भव्य स्वागत किया गया। आपको बता दें, इकेडिबल ट्रस्ट विद्यालय बामनहेड़ी में पहले भी वृक्षारोपण कर बालक बालिकाओं को पुस्तक और काफी चीजें वितरित कर चुका है। इस अवसर पर उपप्रधान किशन लाल मीणा, विद्यालय परिवार से लाला राम शर्मा, मोहम्मद आरिफ, कैलाश मीणा, सुभय सिंह मीणा, लाखाराम मीणा, ममता मीणा सहित कई लोग मौजूद रहे। लालसोट में श्याम मंदिर के पाठोत्सव का कार्यक्रम आगाज किया गया। दौसा जिले के उपखंड लालसोट मुख्यालय के गंगापुर रोड स्थित श्याम मंदिर में 13वें पाठोत्सव का आगाज हुआ। बुधवार से श्याम मित्र मंडल के तत्वाधान में बुधवार से शुरू होने वाला पाठोत्सव 7 फरवरी तक चलेगा। पाठोत्सव का कार्यक्रम बड़े धूमधाम से गाजे बाजे के साथ मनाया गया। इस अवसर पर विशाल कलश यात्रा व श्याम निशान यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा के दौरान सैकड़ों महिला व पुरुष और श्याम भक्तों ने भाग लिया। कलश यात्रा के दौरान बाबा श्याम के भजनों में भक्तों को नाचते हुए मजबूर कर दिया। बाबा श्याम के भक्तों ने पूरे माहौल को श्याममयी कर दिया। बाबा श्याम के भक्तों की कलश यात्रा कौथुन रोड स्थित महाकाली मंदिर से शुरू होकर प्रमुख मार्गों से गुजरती हुई श्याम मंदिर पहुंची। लालसोट मुख्यालय पर कलश यात्रा के दौरान जगह जगह स्वागत द्वार लगाए गए। इस अवसर पर ग्रामीणों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर श्याम भक्तों का स्वागत किया। इससे पूर्व राधा कृष्ण मंदिर में यजमान अशोक गौतम ने वैदिक मंत्रोच्चार से पूजा अर्चना कर कलश यात्रा की रवानगी की। इस दौरान मुख्य यजमान मुकेश जोशी, मुख्य निशान के यजमान मोंटू बड़ाया एवं प्रधान कलश के यजमान अशोक गौतम मौजूद रहे। आयोजन के दूसरे दिन गुरुवार को श्याम मंदिर में 101 आसनों पर श्री श्याम अखंड ज्योति पाठ कोलकाता के मनीष शर्मा की अगुवाई में किया जाएगा। आयोजन के अंतिम दिन 7 फरवरी को श्याम मंदिर के सामने जैन नसियों में विशाल भजन संध्या का आयोजन होगा, जिससे नरेश नरसी, राजू खंडेलवाल, सोनू सिस्टर एवं ज्योति तिवाड़ी समेत कई भजन गायक प्रस्तुति देंगे। आयोजन के दौरान 56 भोग झांकी, पुष्प वर्षा, अखंड ज्योति व इत्र वर्षा भी की जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजधानी जयपुर के हेरिटेज कार्यक्रम में शिरकत की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में हेरिटेज कार्यक्रम में शिरकत करते हुए जयपुर शहर को वर्ल्ड हेरिटेज सौंपा व प्रमाण पत्र भी दिया, जिनके हित में समर्पित एक वर्ष फैसले अनेक कदम बढ़ाते जाएंगे, वादा निभाते जाएंगे, आगे भी निभाएंगे। केंद्र सरकार ने एक बार फिर की गहलोत सरकार के कार्यप्रणाली की प्रशंसा। पूर्व राजस्थान के राज्यपाल भी कर चुके गहलोत सरकार की अनेक तारीफें। इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज 19। नमस्कार।